दोस्तों वैसे तो दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश हैं, लेकिन इनमें से 5 वो कौन से ऐसे देश हैं जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है, जिन देशों को पावरफुल कंट्री कहा जाता है। तो आज हम आपके सामने 5 ऐसे देशों के बारे में बात करेंगे कि जिनको हराना नामुमकिन है। नंबर 5 पर आता है जापान। 12,57,00,000 की आबादी वाले इस देश में मेहनत करने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी वजह से इस देश में सबसे ज्यादा मेहनती लोग पाए जाते हैं। बात करें अगर जापान की इनकम की, तो जापान की इनकम $5.584 trillion है। जापान में से 1% इनकम अपनी आर्मी पर खर्च करता है, क्योंकि अमेरिका देश जापान को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन जापान ने हार नहीं मानी और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि जापान आज टेक्नोलॉजी से पहचाना जाता है। ये देश पावरफुल कंट्री में नंबर 5 पर आता है। नंबर 2 पर आता है इंडिया। इंडिया ने भी पिछले कुछ दिनों में काफी तरक्की की है। बात करें अगर इंडिया की जनसंख्या की, इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी वजह से इंडिया भी मिलिट्री एंड आर्मी में नंबर 4 पर आता है, क्योंकि भारत के 14,55,000 एक्टिव आर्मी है और ये देश पावरफुल कंट्री में नंबर 4 पर आता है। नंबर 3 पर आता है चाइना। चलिए अब धोखेबाज चाइना के बारे में भी बात कर लेते हैं। बात करें अगर इस देश की जनसंख्या की, तो चाइना की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा है और ये जनसंख्या में नंबर 1 देश है। बात करें अगर चीन की मिलिट्री एंड आर्मी की, तो चीन के पास 22 लाख से भी ज्यादा आर्मी सेना है और चीन की सेना को सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। नंबर 2 रूस। ये देश मिलिट्री एंड आर्मी पावर में नंबर 2 पर आता है। इस देश की आर्मी के पास सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार पाए जाते हैं और इसी वजह से कोई भी देश इस देश को हराने की सोचता भी नहीं, और अगर कोई देश इस देश को हराने की सोचेगा भी, तो ये देश उस देश को ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं देगा। इस देश की इनकम में से 4% इनकम मिलिट्री एंड आर्मी पर खर्च की जाती है और इसी वजह से पावरफुल देशों में ये देश नंबर 2 पर आता है। और नंबर 1 पर आता है अमेरिका। ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन हमेशा से ये ऐसा नहीं था। 1989 में अमेरिका और स्पेन के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें के अमेरिका जीता था, क्योंकि शुरू से ही अमेरिका दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करने में नंबर 1 पर आता है। आज आप इसका नतीजा देख ही सकते हैं कि दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करने में आज अमेरिका नंबर 1 पर आता है और शुरू से ही अमेरिका टेक्नोलॉजी पर भी काफी ध्यान देता हुआ आया है। अमेरिका हर एक चीज में आज नंबर 1 पर आता है। अगर हम अमेरिका की इनकम की बात करें, अमेरिका की इनकम $21.40 trillion है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी सेना भी है, जिस पर अमेरिका $7 billion खर्च करता है। वैसे आपका फेवरेट देश कौन सा है, हमें कमेंट करके बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।